एक सीक्रेट आपको बता रहा हूं, डर जो है, जिस बंदे के अंदर डर है उसकी जिंदगी में पाप काम कर रहा है। हालेलुया। यहां पर चेले जो थे किस लिए डर रहे थे? यहूदियों के डर से। यहूदियों ने क्या किया था? मेरी ओर देखो सब जन, बाइबल पढ़ लिए सब, देखो इधर। हालेलुया। यहूदियों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। हालेलुया। कितने समय ने मेरी बात को? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, इसलिए वो बोले कि अब यीशु चला गया है, अब हमें कौन बचाएगा, हम अब अकेले हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपना अपना काम करना शुरू किया सबने। हालेलुया। जो जो कोई काम करता था अपना अपना काम करना शुरू किया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आप लोग जाग रहे हैं आत्मा में या सो रहे हैं? हालेलुया बोलो जी आज। हालेलुया। किसके डर के कारण वो चुप कर बैठे थे? वो यहूदियों के। आपने बात कर रही है मुझसे, हालेलुया, ताकि मुझे पता चले कि आप भजन को सुन रहे हैं। हालेलुया। ताकि शैतान आपकी जिंदगी में काम ना कर सके। कितने समय ने मेरी बात को? शैतान का क्या काम है? कि आपको वचन से दूर करना, वचन सुनते वक्त आपको सुस्ती डालना, आलस डालना, आपका ध्यान वचन से हटाकर कहीं और लगाना। अगर आपका ध्यान हटा नहीं और वचन को सुन रहे हैं आप, फिर आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। हालेलुया। और ये आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन आज आखिरी प्रेयर में ये डर का आत्मा, आलस का आत्मा आपको छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। हालेलुया। आज डर किस बात का है? किसी को अपने ऊपर कर्जा है इसलिए डर है, इसलिए वो किसी ने अपनी रिपोर्ट को देख लिया कि इसमें रसोलियां हैं। हालेलुया। तो उसके अंदर डर आ गया। तो चेले क्या कर रहे हैं? यहूदियों के डर के मारे छुपकर बैठे हैं द्वार के अंदर कि कहें कहीं हमें भी यहूदी लोग कभी हमें ना मार दे, क्योंकि यीशु मसीह चला गया है, अब कोई नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया? सिर्फ इतना सुना था कि प्रभु यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, सिर्फ इतना। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो मुर्दों में से जी भी उठेगा। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु ने कहीं नहीं लिखा, एक भी बात नहीं लिखा कि तुम रोजा रखो तब मैं प्रसन्न होऊंगा, तुम प्रेयर करो तब मैं प्रसन्न होऊंगा। प्रभु ने कहा जब तुम विश्वास करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। कितने समय इस बात को? जब आप विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, जब आप विश्वास करते कि प्रभु तू यहां पर मौजूद है, मैं बिलीव करता हूं प्रभु, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। हालेलुया। अविश्वास, ये क्या है चेलों के अंदर? अविश्वास। उन्होंने इतना सुना है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन इतना नहीं पता कि वो मुर्दों में से जी भी उठाए। आ रही मेरी बात या नहीं समझ आ रही? आज आप भी चर्च में आ रहे हैं, आप भी वचन को सुन रहे हैं, आपको जब आप रिपोर्ट देखते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको रसोलियां हैं, आपको पथरियां हैं, आपको ये वाली बीमारी है, तो क्या आप उस समय यीशु मसीह के बारे में सोचते कि नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठाए। ये विश्वास है यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। हालेलुया। और जब आप ये सोचते कि यार प्रभु यीशु मसीह, हाँ यार प्रभु यीशु मसीह है, मैं बपतिस्मा ले लेता है, बस वो मर चुका है स्लिप के ऊपर, तो मैं अपना काम देखा, मैं किसी को जावा, पैसे मंगा, या किसी मेरे इंसान के पीछे जावा, वो सारा विश्वास सब खत्म हो जाता। कितने लोग समझ रहे मेरी गल? सेम ऐदा ही चेले पटक चुके थे उस जगह के ऊपर। हालेलुया। अज्ञानता, अज्ञानता कदों आती है? अविश्वास कदों आंदा है? अविश्वास तदों आंदा जो अज्ञानता आंदी। हालेलुया। बोलो अपने मुंह तो अज्ञानता। बाइबल च लिखा परमेश्वर कहता मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण प्रॉब्लम च मुसीबत विच फंसे हुए। हालेलुया। आज शैतान तनु परेशान नहीं कर रहा, दुष्ट आत्मावां तनु परेशान नहीं कर रही, तनु परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा तुहाडे उपर अटैक कर दिया, जादू टोना करन वाले इह दिनां विच तुहाडे उपर जादू टोना कर रहे हैं, तुसीं डर रहे हो, लोगों के विरोध तो डर रहे हो, रिश्तेदार तो डर रहे हो, लेकिन तुहानू अपने प्रभु ते विश्वास नहीं है कि वह मुर्दियां चो जी उठे। हालेलुया। कि उहदी सामर्थ हले भी काम करती है। और जिहड़ा बंदा यह जानता है वह ज्ञान नहीं रहिंदा। हालेलुया। अविश्वास कितना आंदा है?
अज्ञानता नाल, बोलो अपने मुंह तो अज्ञानता नाल, अज्ञानता अज्ञानता जो आती है फिर की आता साढ़े अंदर डर। हालेलुया, बोलो डर। अविश्वास देख, जो अविश्वास आता फिर की आता अज्ञानता, अज्ञानता जो आती फिर की आता अंदर डर। जो डर आता है फिर पाप आता है, फिर आप डरते हैं, आप कहने कि यार पता नहीं की बनेगा हूं, साडा बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं चल रही, या मेरी आत्मिक लाइफ डिग्गी जा रही है, जब मैं पाप चो जाई जा रहे हैं, की आ गया तेरे अंदर, की आ गया डर। लेकिन परमेश्वर अपने वचन च कहता, दूसरा तिमोथियस ओदी एक और सच लिखिया, दूसरा तिमोथियस एक और सच लिखिया कि मैं तुहानू डर दा आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, बोलो अपने मुंह तो सामर्थ, प्रेम और संजम दा आत्मा देता है। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। अगर तुहानू वचन, अगर तुसी वचन सुनते होवो रोज, मैं नहीं डरदा किसी तो, हालेलुया, क्योंकि मेरे अंदर वचन आ। मैं रात नूं एक बजे बाहर चले जावा, दो बजे चले जावा, मैनू दुष्ट आत्मा डर नहीं है किसी का, हालेलुया। मेरे घर के बाहर जद रोना पिया मैं डर नहीं है, हालेलुया। की विपत्ति आ रही है मिनिस्ट्री लैवल दे विच या किदा भी, मैं नहीं डरदा, क्योंकि मेरे को पता कि परमेश्वर ने मैनू डर दा आत्मा नहीं पवित्र आत्मा दिता है, हालेलुया। जो एक विश्वासी नू यह गल समझ आ जाती कि परमेश्वर ने मैनू डर दा आत्मा नहीं, मैनू डरन लई नहीं बुलाया, मैनू पवित्र आत्मा दिता है, भय दा आत्मा नहीं दिता मैनू, फिर तुसी अगे वधदे हो यीशु मसीह दे सामर्थी 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 नाम दे विच। किन्ने समझ रहे मेरी गल नू? चेले लोग इन्ना जानते कि बस वो मारिया गया गाड़िया गया, इन्ना नहीं पता कि यीशु मसीह मुरदियां विचों जी भी उठिया, हालेलुया। जो अज्ञानता तुहाडी जिंदगी च होंदी आ फिर डर आंदा है, हालेलुया। अज वचन नहीं है, देखो ए लोग वचन नहीं है इन्हां दे कोल, कुछ लोग पढ़ सकते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, जिन्हें पढ़ सकते हैं वह क्यों नहीं वचन लैके आए? जो कल नूं इन्हां उपर विपत्ति आई, मुसीबत आई, जो शैतान ने अटैक करना शुरू किया, इन्हां अंदर वचन नहीं होएगा, हालेलुया। और ये लोग डिग जाएंगे फिर, किन्ने समय ने मेरी गल नूं? और जिदे अंदर वचन होएगा परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मैनूं भय दा आत्मा नहीं पवित्र आत्मा दिता है, वह ब्लैस होकर इतने गवाही देगा यीशु मसीह दे सामर्थी सामर्थी नाम दे विच। आ रही समझ नहीं आ रही मेरी गल? हालेलुया। किन्ने समय में सारी गल वचन दे विचों कर रहा, कभी वचन सुन रहे हो तुसीं ब्लैसड हो रहे हो यीशु मसीह दे सामर्थी सामर्थी नाम दे विच। अगर मैं तुहानूं अपनियां गल्लां सुनावां तो गलत, हालेलुया। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु दा वर्ड तुहानूं दे रहा, और वर्ड तुहानूं ब्लैस करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी 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 नाम दे विच। जिहड़ी कलीसिया वचन सुनदी है, जिहड़ा विश्वासी वचन सुनदा है, विपत्ति दे समय परमेश्वर उहनूं संभालदा है यीशु मसीह दे सामर्थी सामर्थी नाम दे विच, हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी गल? डर, डर की है? डर पाप है, बोलो अपने मुंह तो पाप है, डर पाप की आत्मा है। अगर तुम सीखना, किन्ने लोग सीखना चाहते हैं? आज मैं टीचिंग दे रहा तुम्हें, हालेलुया। अपनी बाइबल खोलो प्रकाशित वाक्य 21, मैं तुम दसदा कि किदा डर एक पाप है। वाक्य 21 ओदी 8 नूं पढ़ांगे आपां। परंतु डरपोको और अविश्वासियों और गिनोनों और हथियारों और व्यभिचारों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, यह दूसरी मृत्यु होगी, हालेलुया। कितने लोग समझ इस बात को? पहले वर्ड कड़ा आया, बोलो अपने मुंह तो पहला वर्ड कड़ा आया जो पढ़िया बा वचन, डरपोको, हालेलुया। एदा मतलब जिहड़ा बंदा डरपोक है, डरदा है, वह की कर रहा है? पाप, बोलो अपने मुंह तो पाप। आ रही समझ नहीं आ रही मेरी गल? प्रचार अलग है, अज मैं तुहानूं टीच कर रहा, हालेलुया, ताकि तुसीं समझ सको, लिख सको, नोट कर सको, ताकि शैतान तुहाडी जिंदगी च काम ना कर सके, हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी गल?
मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है पहले नंबर से ही डरपोक वा, हालेलुया। दूसरे नंबर से क्यों नहीं आए? एदा मतलब जो बंदा डरता है वह डरपोक है, तो पाप का आत्मा और जिंदगी काम कर रहा है। किन्ने लोग समझ रहे इस चीज़ को? हूँ चेले डर रहे हैं सारे, उन्होंने पता कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चाड़ दिता है, तो साडा की बनेगा? आप कल्ले हाँ, की काम कर रहे उन्होंने पाप, बोलो अपने मुँह तो पाप काम कर रहे हैं। हालेलुया, जिहड़ा बंदा डरपोक है डरता है पाप और जिंदगी काम करता है, हालेलुया। और शैतान आही चाहता है कि एक बंदा परमेश्वर के वचन ना सुन सके। अगर इन्हें वचन सुन लिया ये अंदर विश्वास आएगा, यह आत्मा ना भरेगा, ये वचन क्लेम करेगा, क्योंकि शैतान किसी चीज तो नहीं डरता। कितों डरता है? सिर्फ वचन तो। और जो वचन पूरे ध्यान न सुनते हो, मन अपने पूरे मन को खोल के सुनते हो वचन, फिर यह डर का आत्मा तुहाडी जिंदगी काम नहीं करेगा। यीशु मसीह सामर्थी सामर्थी नाम दे विच, हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? की लिखा पहले? परंतु डरपोको और अविश्वासी और गिनोनो हथियारों और व्यभिचारियों और टूना और मूर्ति पूजको सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु होगी। हालेलुया, किन्ने समझ रहे मेरी गल? जो डर जाते फटाफट की आ की होएगा, हूँ की बनेगा, मेरी जिंदगी तो बीमारी आ गई है, कर्जा का डर, गरीबी का डर, बिजनेस नहीं चल रहा डर, घरदे ने छड़ता डर, मैरिज नहीं हो रही डर। किन्ने समझ रहे इस चीज़ को? जो परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड उसका वचन तुहाडे अंदर होएगा, फिर तुहानू याद होएगा कि परमेश्वर ने मैनू भय का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ प्रेम और संयम का आत्मा दिता है। ब्लेस होवो यीशु मसीह ने सामर्थ ही सामर्थ ही ना दे विच। आमीन छोटा है, हालेलुया। किन्ने लोग समझ रहे मेरी गल? हले तक पवित्र आत्मा तुहाडी जिंदगी च नहीं आ कईआं दे, हालेलुया। और कई आत्मा नाल भर चुके हैं और कई सोच रहे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुहाडे नाल ही आ, इत्थे आओ, लेकिन वह अंदर आना चाहता है, सिर्फ तुहाडे डर के कारण, पाप के कारण अंदर नहीं आ पा रहा। हालेलुया, जिस बंदे अंदर पवित्र आत्मा होएगा, और डॉक्टर ने भी बोलिया कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर इस रिपोर्ट नू चेंज करन दी, मैनू चंगा करन दी ताकत रखता है। प्रभु उन्हें ब्लैस करेगा यीशु मसीह सामर्थ की सामर्थ इन्हों के। हालेलुया, किन्ने समझ रहे मेरी गल? इस वचन में लंबा है लेकिन मैं टाइम के थोड़े होने देगा, कि शॉर्ट के लैके जावगा। अगर मैं चाहवा तो दो दिन तक ये उत्ते प्रचार कर सकता। हालेलुया, अपने अखां नूं बंद करो, बोलो परमेश्वर डर दा आ